रही थी वो भी बहुत ज्यादा। अब इस बात को यही खत्म करना ओके? एक्टर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं होता या फिर एक ड्रामा करने वाला या इमोशनल सीन्स वाला नहीं होता, वो सबका मिक्सचर होता है। हाय गाइस, दिस इज हिबा नवाब एंड वेलकम टू जॉइन फिल्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी पंडा joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है हिबा नवाब, वेलकम टू। थैंक यू। वो तो है, अलबेला का मतलब होता है कि हर कोई में एक अलबेलापन होता है, एक यूनिकनेस होती है। इसमें कौन अलबेला है, कौन यूनिक है? सो इसमें ताना है वो अलबेला है, आई वुड से था, बट जो कुछ इंसिडेंट्स हुए इन द पास्ट, सो वो अलबेलापन छिन गया है उससे। तो कहीं ना कहीं वी आर सर्चिंग फॉर द अलबेलापन इन हिम एंड कि वो वापस से वैसा इंसान बन जाए जो था, बट जिम्मेदारियों में घिर चुका है। वो दो लोगों का काम अकेले कर रहा है, दो लोगों की जिम्मेदारियां अकेले निभा रहा है, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सो ही इज डूइंग ऑल ऑफ इट। नॉर्मली लाइफ में ना हम लोग कभी भी ऐसे सीक्वेंस नहीं देख पाते कि कोई लोगों पे चल रहा है, कोई पश्चाताप कर रहा है, तो जब ऐसे कभी सीन शूट होते हैं तो वो एक्सप्रेशन लाना फेस पे, वो दुख लाना, वो तकलीफ लाना, एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग होता है? इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट एक्टर्स को एक्ट तो करना ही पड़ता है। सो इट इज डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी वॉकिंग ऑन दिस, बट आई मतलब वो हम इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा होता तो कैसा लगता। वी यू नो मेथड एक्टिंग एट टाइम्स, वी इमेजिन स्टफ व्हिच इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग, और वो उससे फिर हमारे अंदर यू नो ऐसी भावनाएं पैदा होने लगती हैं जिससे वी एक्सप्रेस, और जो रियल लगता है काफी व्हेन यू वॉच इट ऑन स्क्रीन, और तभी दर्शक उसको इतना पसंद कर रहे हैं। यस, दे कैन रिलेट टू इट देन। ओके, तो जो आप घर से चलते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री बड़ा काम फास्ट होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो घर से चलते होंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि सेट पे जाके स्क्रिप्ट मिलता होगा, आज ये करना है, तो घर से चले थे एक अलग मूड में और यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा का पूरा चेंज, तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे हो पाता? सो यू गेट यूज्ड टू इट। इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर तो डिफिकल्ट होता था टू गेट आउट ऑफ इट, बट नाउ इसी की जैसे हमारी यू नो इनबिल्ट, हाँ ये अब इनबिल्ट सा है ये कि व्हेन यू ऑन सेट यू आर, जैसे मैं सयूरी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ तो आई एम सयूरी ऑन सेट, बट वंस आई एम इन माय मेकअप रूम एंड आफ्टर पैकअप आई एम हिबा। तो मैं सेट पे जब तक रहती हूँ बिफोर द कैमरा आई एम सयूरी, बाकी सारे टाइम हिबा रहती हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना बहुत मोनोटोनस हो जाता है, देन यू फील डिप्रेस्ड एट टाइम्स बिकॉज वी डू सच इंटेंस सीन, द लॉट ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन, सो यू फील वेरी वेरी लो व्हिच यू डू नॉट नीड एक्चुअली इन रियल लाइफ। मुझे रियली लग भी रहा है कि मैं सयूरी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने किया था जीजा जी छत पर है। yes. तब आप एकदम से बबली चबली थे, एकदम से, क्योंकि वो एकदम कॉमेडी रोल था, तब इंटरव्यू बिल्कुल अलग रंग का था, आज बिल्कुल अलग रंग का। यस, सो दिस कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंटेंस एंड आई वुड से जितना रायता मैंने वो शो में फैलाया था वो सारा रायता समेटने वाली बनी उस शो में। आई एम सपोज्ड टू बी वेरी मैच्योर, लेवल हेडेड एंड कंटेंट वुमन। बहुत मुश्किल होता है एज एन आर्टिस्ट ना ये पहचान बनाना कि कॉमेडी से उठ के दर्शक उसको इस तरह के रोल में, जो कि मेलोड्रामेटिक हो, ड्रामेटिक हो और बहुत सीरियसनेस के साथ हो, ये कैसे रजिस्टर कर पाते हो? सो इन द बिगनिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मुझे ऐसा लगा था आई हैव बिकम जीरो फ्रॉम द स्क्रैच, आई हैव टू स्टार्ट बिकॉज कॉमेडी में इट्स वेरी डिफरेंट, ये दोनों वर्ल्ड बहुत अलग है। और मैं 5 साल से आई वाज डूइंग कॉमेडी, बट अगेन आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज एक्टर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं होता या फिर एक ड्रामा करने वाला या इमोशनल सीन्स वाला नहीं होता, वो सबका मिक्सचर होता है। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड सो आई एम ग्लैड दैट आई गॉट दिस शो एंड वी गेटिंग सो मच लव फ्रॉम यू गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर इट एंड वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जब ऐसा चेंज ओवर लाते हैं आप एज एन आर्टिस्ट, तो उसमें डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस जब आपको सेलेक्ट करता है तो जो कैरेक्टर का ब्रीफ मिलता है उसका कितना सपोर्ट सिस्टम होता है? आई थिंक पूरा श्रेय उनको देना चाहूँगी। ऑब्वियसली हार्ड वर्क वाज मी, बट देन ऑफ कोर्स बीइंग पेशेंट विद मी एंड टेलिंग मी कहाँ गलत कहाँ सही, तो इट टुक अबाउट मोर देन अ मंथ टू बिल्ड दिस कैरेक्टर एंड इट केम आउट प्रीटी वेल व्हेन आई वॉच माई सेल्फ ऑन स्क्रीन। वो लगती है सयूरी ही है, तो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉज स्केर्ड कि कहीं ना कहीं वो पुराने कैरेक्टर जो किया है वो उसकी झलक नहीं आनी चाहिए, शुड लुक एकदम डिफरेंट।
तो वो बिल्कुल यूनिक लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. तो ये थी सयूरी यानी कि हिबा नवाब जो कि इसमें सयूरी का करेक्टर कर रही है. बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने कि अगर आपको चेंज ओवर करना होता है तो उसमें प्रोडक्शन हाउस का, करेक्टर ब्रीफ का, डायरेक्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन हार्ड वर्क तो अपना ही होता है. और बीइंग एक्टर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पिछले करेक्टर से अपनी पहचान बिल्कुल बदल कर रखें. आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे ज़रूर बताइएगा. अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट. हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप.